रहे थे ना तो हम लोग तैर रहे थे तो देखे कुछ दहकर आ रहा, हम लोग उसको बगल में लाए उठाए तो देखे कि मेरे लड़का न छान करके ले आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSI2, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम है पटना सिटी के राजा घाट में। जब देखिएगा तो यहाँ पर एक साथ में लोग जय श्री राम के लोग नारा लगा रहे हैं। वजह मैं बताता हूँ, गंगा स्नान के क्रम में, गंगा स्नान के क्रम में एक पत्थर तैरता हुआ मिला है। वो पत्थर इसी राजा घाट पर है और यहाँ पर पूजन किया जा रहा है। यहाँ जब देखिएगा तो ये पत्थर अभी भी तैरता हुआ मैं दिखलाता हूँ। ये पत्थर तैरता हुआ है यहाँ पर, एक हाथ में लिए हुए, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है जय श्री राम। यहाँ श्री राम, यहाँ राम लिखा हुआ। यहाँ पर कहने का ही पटना सिटी में एक आस्था का केंद्र बना हुआ है। तमाम चीजों से हम आपको अवगत करवाते हैं और किसने पत्थर निकाला है तमाम लोगों से अवगत करवाएंगे। तो इसका वजन कितना होगा? वजन कितना होगा? मिनिमम 10 किलो, 10-15 किलो। पंद्रह किलो के लपेट में लग रहा है। मिला था क्या? बजाय ये पानी में बह के आ रहा था, पानी से बह के आ रहा था। ये बहुत दूर से आता है बह के। अभी इधर का कोई लोग आदमी देखा, हाँ तो वही देख के निकाला तो उसको पता चला कि ये मंदिर, ये राम मंदिर बनने के लिए ये पत्थर मिला। हम लोग के पास 15 सेकंड का वीडियो भी है। फिलहाल एक मंदिर में है और लोग, भक्त लोग आ रहे हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। यहाँ जब देखिएगा इसी मंदिर में है अभी। और एक खास करके पटना सिटी में रामलला का और भी जय श्री राम का लिखा हुआ पत्थर मिलना। करण कुमार, करण कैसे कैसे कहाँ मिला? हम लोग सुबह सुबह गंगा नदी में स्नान कर रहे थे ना तो हम लोग तैर रहे थे तो देखे कुछ दहकर आ रहा, हम लोग उसको बगल में लाए उठाए तो देखे कि एक पत्थर है। पत्थर को अच्छे से देखे उठाकर तो देखे उसको प्रभु का नाम लिखा हुआ। हम लोग बाहर निकाले उसके बाद सब भीड़ इकट्ठे होते चला गया। भीड़ इकट्ठे हुआ तो इंस्टा पे FB पे सब लाइव आ गए। लाइव है तो यहाँ भीड़ और इकट्ठा हो गया। इसी वजह सब लोग सीन भी देख गया। हाँ भैया, हम भी लोग वही, हम लोग साथ में नहाते हैं घाट पे, तो वही परसों 9 बजे के करीबन में नहा रहे थे तो देखे कि पत्थर दहता हुआ जा रहा था। तो हम लोग तैर के छाने उन्हें उसको फिर लाए। तो अब तो नाम है राम तो रहेगा प्रभु ही ना, इसीलिए ला के उसका थोड़ा सा अथी किया। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? सुजल कुमार। छोटा सा ठिकरा फेंकता है कंकर तो डूब जाता है। इतना भारी पत्थर दह करके आया मेरे लड़का न छान करके ले आए, ला करके उनको हम लोग स्थान देंगे। यही हम लोग का मन कह नाम है। आप लोग सब संजोग दीजिए भाई बंधु। ये गंगा में तैरता हुआ मिला है ये पत्थर। अगर थोड़ा छोटा सा अगर कंकर देखिएगा तो गंगा में समा जाता है, लेकिन इतना ये विशाल पत्थर गंगा में तैरता हुआ कहीं ना एक आस्था का एक खास करके राजा घाट पटना सिटी से मिला है। ये देखिए ऐसे साइड को आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।